वट इज द सिलेबस क्या मांग रहा है सीयू टी हमसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगी क्या आएगा क्योंकि अगर हमें कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं मिलेगा तो बहुत ज्यादा वास्ट स्कोप है कुछ भी आ सकता है लैंग्वेज में से तो राइट सो टूडे वी आर गोइंग टू डी कोड आर लैंग्वेज सिलेबस एज प्रोवाइडेड बाई एन टी एन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सी यू ई टी क्लियर है चलिए लेट्स बिगेन सिलेबस फॉर लैंग्वेजेज वन ए एंड वन बी One A, क्या है भैया दीज आर दर्टीन लैंग्वेजेस जिसमें से हमें एक लेनी ही लेनी है अंडर द लैंग्वेज टेस्ट राइट द लैंग्वेजेस इसमें से आपको कोई ना कोई एक लैंग्वेज लेनी है अंडर योर सी यू टी एंड लैंग्वेजेस जिसमें आप अपना कोर्स परस्यू करना चाहते हैं क्लियर है अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है मेरी पूरी सी यू टी के ऊपर प्ले लिस्ट बनाई हुई है गो एंड चेक इट आउट द लिंक फॉर द प्लेलिस्ट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो चलिए तो कितने क्वेश्चन आएंगे फिफ्टी क्वेश्चन आएंगे एक लैंग्वेज के अंडर जिसमें से आपको फोर्टी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सो द मैक्सिमम क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आर फोर्टी क्लियर है, so है? चलिए

Dear learners exams are very near and now is the time to practice revise and prepare well for finals as well as competitive exams to help you with this unacademy has come up with a free mock test for cuet aspirants on 25th may after the test performance report will be shared so that the students can analyze their performance you can see the schedule on the screens. CUET Language and General Test will be held at 10 am, CUET Science Test 2 pm, CUET Commerce 2 pm, and CUET Humanities at the same time 2 pm. So, all the stream based tests will be held at 2 pm, and for the Language and General Test, the mock will be held at 10 am. So, make sure to enroll now academy has also launched its CUET preparation batches. You can enrol for them using my code PURVA2022 and get an additional 10% off. So now is the time to ace your final exams and simultaneously prepare yourself for upcoming entrance exams to secure a good college. So what are you waiting for? All the links are in the description box. Use my code PURVA2022 to unlock for free and get 10% off on any subscription. Let's crack it. Chaliye, now moving on to the syllabus. Kya likha gaya hai? Questions from the language section will be from the following topics. but are not limited to यानी कि इसमें से तो आएगा ही आएगा but जरूरी नहीं है सिर्फ इसमें से आएगा थोड़ा बहुत बाहर से भी एंड अराउंड इट भी आ सकता है क्लियर है सबसे पहले है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देर विल बी थ्री टाइप्स ऑफ पैसेजेस मैक्सिमम 300 हंड्रेड टू थ्री फिफ्टी वर्ड्स फैक्चुअल पैसेजेस यानी कि जहां पे हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स दी हुई हैं हमें नंबर्स दिए गए हैं चार्ट दिए गए हैं टेबल दी गई है क्लियर है उसके बाद नैरेटिव यानी कि हमारी स्टोरी से रिलेटेड इवेंट से रिलेटेड जहां पे कोई हमें मॉरल वैल्यू सिखा रहे हैं क्लियर है उसके बाद लिटरेरी मतलब थोड़ा पोएटिक एंड रिलेटेड टू द लिटरेचर जहां पे हमें थोड़ा सा मतलब को एक्चुअल मीनिंग को डी करना पड़ेगा काफी ज्यादा थियोरिटिकल होगा क्लियर है उसके बाद वर्बल एबिलिटी वर्बल एबिलिटी के अंदर हमारा सारा लैंग्वेज से रिलेटेड एप्टिड

लैंग्वेज के वर्ड्स को समझ पा रहे हैं एंड उनको अपने वे में बता पा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल रिप्लेसिंग द सेम वर्ड क्लियर है आगे चलते हैं रीअरेंजिंग द पार्ट यानी कि जम्बर्ड सेंटेंसेस हो सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन फॉल आउट करते हैं इसके अंडर उसके बाद चूजिंग द करेक्ट वर्ड अगेन ये सारा वर्बल एबिलिटी का पार्ट है रिप्लेसिंग द वर्ड क्लियर है कौन सा वहां बैठेगा सेंटेंस में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स यानी कि एक वर्ड और उसका कंप्लीटली ऑपोजिट वर्ड दीज आर बेसिकली न्यू वर्ड्स जो आपकी वो कैब्यूलरी पे एड में एड इन करते हैं वो कैब्युलरी क्या होती है डिफिकल्ट वर्ड्स न्यू वर्ड्स जो आपको नहीं पता तो इसके लिए क्या किया जाए सबसे पहली बात तो स्टार्ट रीडिंग और डेली न्यूज पेपर एंड आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर आई दर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू इससे आपकी इंग्लिश धीरे धीरे सुधरने लगेगी एंड यू विल इंप्रूव अलॉट उसके बाद अभी तो आपके सी बी एस ई बोर्ड एग्जाम्स हैं ही आप अपनी एनसीआर टी टेक्सट बुक्स रीड कर रहे हैं उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है बट आफ्टर दैट आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर अ बुक एकदम बेसिक बुक लीजिए कोई भी नॉवल लीजिए एंड उसको पढ़ना शुरू कीजिए फॉर योर न्यू वर्ड्स एंड फॉर लर्निंग द एक्चुअल लैंग्वेज क्लियर है उससे आपको पता चलेगा कि हाँ किस किस वे में वर्ड्स यूज होते हैं कैसे सेंटेंसेस को बोला जाता है कहाँ पे क्या मतलब कुछ रीडिंग हैबिट कुछ रीडिंग हैबिट अडॉप्ट कर लीजिए उससे आपका लैंग्वेज टेस्ट में बहुत फायदा होगा सिंस लैंग्वेज टेस्ट इज अ मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज गोइंग इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी तो इसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है गाइस दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो आई होप यू लाइक डिट एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल यू आर एट ह्यूमैनिटीज हैप्पी लर्निंग आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो